चैप्टर फोर एम एस वर्ड 2010 इंट्रोडक्शंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 का इंट्रोडक्शंस। द स्पेलिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी स्पेलिंग को चेक करने के लिए हम एम एस वर्ड अंडरलाइन एनी वर्ड इन रेड डैट इट डज नॉट रिकॉग्नाइज डैट दे आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली एंड अंडरलाइन इन ग्रीन इफ इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द ग्रामेटिकल पैटर्न्स assuming that the sentence does not make sense. Microsoft Word में जब कोई भी हमारी स्पेलिंग गलत होती है तो उसके लिए वो रेड कलर के अंडरलाइन शो करता है। रेड कलर के अंडरलाइन शो करने से स्पेलिंग हमारी इनकरेक्ट है, हम उस स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। अगर ग्रीन कलर की अंडरलाइन आती है तो अगर हमें ग्रामर से रिलेटेड एरर होती है तो वो ग्रीन कलर की लाइन को शो करता है। टू रिवर्ट द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस एक्शन, अगर हमसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गलती हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अंडू कमांड्स का यूज करते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, वो एक स्टेप पीछे चला जाता है। क्लिक अंडू ऑन द क्विक एक्सिस टूल बार, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्विक एक्सिस टूल बार में अंडू बटन पर क्लिक करते हैं टू अंडू सेवरल एक्शन एट द सेम टाइम। क्लिक द एरो नेक्स्ट टू अंडू सेलेक्ट द एक्शन इन द लिस्ट दैट यू वांट टू अंडू एंड देन क्लिक द लिस्ट। हम अपने टॉपिक को ओपन करने के बाद जितना भी वर्क करते हैं उसकी पूरी लिस्ट उसमें अंडू में आ जाती है। तो उससे अगर हम जितना भी लिस्ट में हम सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से हमारा जो भी वर्क है वो बैक चला जाएगा उतने ही टाइम्स। अगर हम 10 टाइम्स सेलेक्ट करते हैं तो 10 टाइम्स पीछे हमारा वर्क चला जाएगा। इसके लिए हम अंडू फंक्शन का यूज करते हैं। कमांड्स अलाउ यू टू रिस्टोर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन दैट रिवर्स विद द अंडू कमांड। अगर हमने गलती से अंडू कमांड चला दी है और फिर हमें वही वापस रिजल्ट चाहिए तब हम रेडो कमांड्स का यूज करते हैं। क्लिक रेडो ऑन द क्विक एक्सिट टूल बार, इसके लिए हम क्विक एक्सिट टूल बार में रेडो बटन का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की का भी यूज करते हैं। फाइंड नेक्स्ट ऑन द होम टैब इन डायरेक्टरी ग्रुप क्लिक ऑन द एडवांस्ड फाइंड ऑन द ड्रॉप डाउन मेन्यू नेक्स्ट टू द फाइंड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी वर्ड को सर्च करने के लिए हम होम टैब में फाइंड फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। इन द फाइंड वर्ड बॉक्स, एक फाइंड का इस तरीके का बॉक्स ओपन होकर आता है। टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट टू सर्च फॉर, जो वर्ड हमें सर्च करना होता है वो वर्ड्स हम फाइंड वर्ड में लिखते हैं। टू फाइंड ईच इंस्टेंस ऑफ ए वर्ड और क्लिक फाइंड नेक्स्ट, इसके बाद हम फाइंड नेक्स्ट फंक्शंस पर क्लिक करते हैं। जो भी वो वर्ड जो हमने फाइंड वर्ड में लिखा है जहाँ जहाँ पर भी हमारी स्क्रीन होगा वहाँ पर वो डिस्प्ले कर देगा, उसको वो हाईलाइट कर देगा। टू फाइंड ऑल इंस्टेंस ऑफ ए स्पेसिफिक वर्ड एट ए वन क्लिक फाइंड इन एंड देन क्लिक ए मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट, अगर हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो वो वर्ड जहाँ पर लिखा है उसको सर्च करेगा। इसके बाद हम फाइंड नेक्स्ट पे दोबारा क्लिक करेंगे तो दूसरे को दिखाएगा, जिससे हमारे स्क्रीन पे मेटर लिखा हुआ है। अगर हम इसमें ओन लिख देते हैं फाइंड वर्ड पे तो जहाँ पर भी ओन लिखा उसको वो सर्च करेगा। फिर फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद ओन जहाँ पर दोबारा दूसरी जगह लिखा है उसको सर्च करेगा। इस तरीके से हम किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं। टेक्स्ट यू कैन ऑटोमेटिकली रिप्लेस ए वर्ड विद अनदर, फॉर एग्जाम्पल यू कैन रिप्लेस कंप्यूटर विद इंटरनेट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए हम रिप्लेस टेक्स्ट का यूज करते हैं। इसके लिए हम होम ऑन द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप, एडिटिंग होम टैब में एडिटिंग ग्रुप पर क्लिक करते हैं। क्लिक द रिप्लेस, रिप्लेस कमांड पर क्लिक करते हैं। क्लिक द टेक्स्ट इन द रिप्लेस विद बॉक्स, एक बॉक्स ओपन होकर आता है रिप्लेस का, इसमें हम वर्ड को टाइप करते हैं। टाइप द रिप्लेसमेंट टेक्स्ट, जहाँ फाइंड वर्ड लिखा है वो वर्ड यहाँ पर हमें वर्ड टाइप करना है और रिप्लेस विद उस वर्ड की जगह जो नया वर्ड चाहते हैं वो हम रिप्लेस विद वर्ड लिखते हैं। क्लिक द रिप्लेस ऑल, इसके बाद रिप्लेस ऑल का जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करते हैं। इससे क्या होगा, वो वर्ड हमारा उस स्क्रीन पर जहाँ जहाँ पर भी लिखा होगा वहाँ पर चेंज हो जाएगा। इफ़ यू नाउ दिस स्पेसिफिक पेज नंबर ऑफ योर डोमेन दैट यू वांट टू स्कोर टू, अगर हमारे पेज में एक से ज़्यादा पेज है तो हमें एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हमें स्क्रॉल डाउन या अप करना पड़ता है। यू कैन जंप टू द डैट पेज राइट अवे बाय यूजिंग गो टू कमांड, एक पेज से दूसरे पेज में डायरेक्ट जाने के लिए हम गो टू फंक्शंस का यूज करते हैं। क्लिक ऑन द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप में होम टैब में एडिटिंग ग्रुप पर क्लिक करते हैं। क्लिक द गो टू टैब पर क्लिक करते हैं। क्लिक द पेज बटन पर क्लिक करते हैं। सेलेक्ट पेज नंबर, जहाँ एंटर पेज नंबर लिखा है यहाँ पर पेज नंबर को सेलेक्ट करते हैं। क्लिक गो टू बटन पर क्लिक करते हैं। इससे क्या होगा कि जो पेज नंबर हमने टाइप किया है उस पेज में डायरेक्ट वो पहुँच जाएगा हमारा कर्सर।